मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कांग्रेस के बागी विधायक दिल्ली में ही डेरा जमाए हुए हैं। बागी विधायक प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के मनाने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। विधायकों ने 12वां मंत्री 12वां विधायकों में से बनाने की मांग के साथ विधायक दल का नेता भी बनाने की मांग की है। वहीं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की जिद पर अड़े हुए हैं। चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज झारखंड कांग्रेस के विधायकों के दल से फिलहाल पार्टी के वरिष्ठ नेताएं बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शनिवार रात से ही ये विधायक दिल्ली में डटे हुए हैं। रविवार को कई दौर की बातचीत वरीय नेताओं के साथ हुई है। विधायकों के साथ समन्वयों का जिम्मा मध्य प्रदेश कांग्रेस के विपक्ष के नेता उमंग सिंघार को दिया गया है। उमर सिंघार पहले झारखंड में सहप्रभारी की भूमिका अदा कर चुके हैं। विधायकों से बातचीत करके उमर सिंघार ने जिस तरह से बातचीत की है और उसके बाद से जो तमाम समस्याओं की जानकारी ली है और जिस तरह से चार मंत्रियों के पूर्व के प्रदर्शन के बारे में जानकारी लेते हुए नाराज विधायकों ने यह भी बताया है कि वे पहले भी नेतृत्व को अपनी मांग से अवगत करा चुके हैं। इस वर्ष चुनाव होने हैं और झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी इसी वर्ष में होने हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है और इन मंत्रियों को लेकर कांग्रेस पार्टी परेशानी में पड़ सकती है। इसी बात का हवाला देते हुए कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों ने यह मांग की है कि इन चारों मंत्रियों के बजाय नए चेहरों को स्थान दिया जाए। वहीं विपक्ष के काट के लिए एक व्यक्ति एक पद की मांग हो। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि उनकी जिद है कि वो सोनिया गांधी या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बता सकें। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के वरीय नेताओं से मुलाकात होने के बाद ही वो रांची लौटने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह के दावे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किए हैं वो दावे अब पूरी तरह से गलत साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं और विधायकों का रुख काफ़ी बदल गया है। विधायक अब किसी कीमत पर रांची नहीं लौटना चाहते हैं जब तक उनकी समस्याओं का समाधान न हो सके या समाधान का कोई आश्वासन उनको ठोस रूप से नहीं मिल सके। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के विधायकों का बागी रुख कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी कहीं ना कहीं पसोपोश में हैं क्योंकि बैजनाथ राम को दी जा रही एक सीट के कारण जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उन स्थितियों में अब कांग्रेस पार्टी यह मान के चल रही है कि जो पांचवा मंत्री होगा वो कांग्रेस का ही होगा। ऐसी स्थिति में 12वें मंत्री स्थान पर अब कांग्रेस खुद अपने लिए सीट मांग रही है और इन विधायकों के बागी तेवर से एक रुख स्पष्ट कर रही है। वहीं कांग्रेस में बढ़ती मुसीबतों का असर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व पर भी पड़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व भी चिंतित है कि आखिर कांग्रेस के ये विधायक कहीं बागी तेवर अपना लेंगे। ऐसी स्थिति में चंपई सोरेन सरकार खतरे में आ सकती है। यही स्थिति को भांपते हुए बजट सत्र के दौरान बागी विधायकों ने अपनी अनुपस्थिति होने का दावा किया है जो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि सरकार कहीं गड़बड़ स्थिति में नहीं चली जाए। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है बागी विधायकों के तेवर के कारण केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी काफ़ी परेशान है। मुखर संवाद के लिए नई दिल्ली और रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।